साताराच्या धन्यवाद देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और आकांक्षी भारत को लेकर के गत दिनों के जो प्रयास हैं उसके संबंध में विस्तार से बात कही है। मैं सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण भाषण पर अपनी टिप्पणी की, अपने विचार रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया, और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया। ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडता के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण है। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं,